नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेफर कार फॉर इंडिया मिशन को सपोर्ट करके इसे लाखों व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। एक्सीडेंट के डिटेल्स आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल आईडी rananikhil1989@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। किया सेल्टोस जो कार इंडिया में काफ़ी कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई है और हर महीने क्लोज टू 10,000 यूनिट इस कार की बिकती हैं, किया मोटर्स की इस कार ने GNCAP के क्रैश टेस्ट में सिर्फ 3 स्टार स्कोर किए थे। और अगर पॉइंट्स की बात करी जाए तो सेल्टोस के 8.03 पॉइंट्स को डबल कर दिया जाए तो भी टाटा की एंट्री लेवल 5 स्टार कार टाटा पंच के स्कोर 16.45 इन एडल्ट सेफ्टी तक नहीं पहुंच पाती है। सो सैडली इस 15 से 20 लाख तक आने वाली SUV ने काफ़ी डिसपॉइंट किया था लास्ट क्रैश टेस्ट में। किया ने रिसेंटली अपना लोगो अपडेट किया है, पर अगर स्ट्रक्चर और चेसी को भी अपडेट करके अच्छा बना देते और कम से कम 4 स्टार की सेफ्टी दे पाते तो काफ़ी सही रहता। सेल्टोस के कुछ एक्सीडेंट्स हमने देखे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा हैरान किया है, चाहे वो सेल्टोस का दो टुकड़ों में बटने वाला एक्सीडेंट हो या ट्रक से लड़ने के बाद कार के बुरे हाल होने वाला वीडियो। अल्टीमेटली SP2 एंड SP2i दो तरह की चेसी सेल्टोस में यूज़ करी जाती है, एक इंटरनेशनल मार्केट के लिए जो ज़्यादा मजबूत है और दूसरा SP2i इंडियन मार्केट के लिए। तो सारी लाइफ इक्वल हैं, वो गोरा हो या काला या यूरोपियन हो या इंडियन, सब बराबर हैं, इसलिए सेफ्टी भी सबको बराबर मिलनी चाहिए और यही हमारा शुरू से कंसर्न रहा है कि सेल्टोस को लेकर। महाराष्ट्र से मिस्टर अंकुल ने सेल्टोस का एक एक्शन शेयर किया है जहां स्लो स्पीड एक्सीडेंट में एक बस से लड़ने के बाद सेल्टोस मेजर डैमेजेस लेती है। आप इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को फॉलो करके एक्सीडेंट के डिटेल्स भेज सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये एक्सीडेंट 30 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्लो स्पीड में हुआ था जहां सिटी ट्रैफिक में बस के अचानक ब्रेक मारने की वजह से सेल्टोस पीछे से स्ट्रेट बस को हिट करती है और फिर सेल्टोस में डैमेजेस आप देख सकते हैं। किया सेल्टोस के इंडियन वेरिएंट में मेजर चेंजेस गाड़ी के चेसी में किए गए हैं जो एक्सेंट में साफ देखने को मिलता है, जहां अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील की जगह हाई स्ट्रेंथ स्टील पूरी गाड़ी में यूज़ किया गया है जो स्ट्रक्चर को कमज़ोर बनाता है। इस स्लो स्पीड एक्सेंट में बस में हल्का सा डेंट देखने को मिलता है जिसके मुकाबले सेल्टोस में मेजर डैमेजेस देखी जा सकती हैं, जहां बोनट पूरा मुड़ गया है, रेडिएटर लीक कर रहा है, इंजन बे तक डैमेजेस पहुंची हैं। स्लो स्पीड एक्सीडेंट होने की वजह से पिलर और केबिन यहाँ इंटैक्ट थे और फॉर्चुनेटली पैसेंजर भी यहाँ सेफ थे, पर स्लो स्पीड एक्सीडेंट में अगर कार इतनी डैमेजेस लेती है तो हाई स्पीड में क्या होगा ये आप सोच सकते हैं और कई सारे एक्सीडेंट्स में हमने इसे देखा भी है। किया मोटर्स को इस प्राइस पॉइंट पर वैसे तो 5 स्टार से कम कुछ नहीं देना चाहिए, पर अभी भी लोग इसकी बिल्ड क्वालिटी को जस्टिफाई और डिफेंड करते हैं, जो गलत है। हमें इंडिया में बेची जाने वाली सेल्टोस में भी सिमिलर स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर की डिमांड करनी चाहिए जो बाहर बेची जाती है, क्योंकि सेफ्टी को लेकर किया मोटर्स का ये सौतेला व्यवहार मेरी समझ से तो बाहर है। तो जब तक आपको फ़र्क नहीं पड़ता, किसी कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ता, वो किया हो, ह्यूंडई हो, मारुति हो या टाटा हो, और जिस दिन मैक्सिमम कंज्यूमर्स को इस बात से कि कार कितनी अनसेफ या सेफ है फ़र्क पड़ना शुरू होगा, डेफिनेटली कार कंपनीज भी सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगी। चैनल के वीडियोस को आपको आगे तक ले जाना बहुत ज़रूरी है, वरना लोग आगे अवेयर नहीं हो पाएंगे। साथ ही चैनल को अभी तक बस 23% व्यूअर ने सब्सक्राइब किया है, सो अगर आप अवेयर हो रहे हैं इन वीडियोस से तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।